हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली दो क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSC 4.0 बिहार स्टेट फेज 2 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे आप लोगों को UPPGT का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपको क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको हर एक दिन का क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा रही हूँ, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट नोट्स है वो प्रिपेयर हो चुका है। आप जो नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको BPSC का जो नोट्स मिलेगा इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग नोट्स, प्लस आपको NCERT और SCERT का जो क्लास 11 और 12 का है उसका चैप्टर वाइज MCQ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़रूर आप पेड ग्रुप से जुड़िए और अपने सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत क्लास 11 का NCERT अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले 11 का कंप्लीट कर लेंगे दोनों बुक को, फिर NCERT क्लास 12 को हम लोग कवर करेंगे। तो क्लास 11 में ही आपको चैप्टर 2 में देखिएगा कि देखिए छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है सामाजिक समूह, संदर्भ समूह, लेकिन इसके अंतर्गत जो अंदर में कितना मटेरियल है उसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिएगा कि NCERT का क्लास 11 का चैप्टर 2 में आपको एक टॉपिक दिया गया है परिस्थिति एवं भूमिका। क्या दिया गया है? परिस्थिति एवं भूमिका के संदर्भ में आपको दिया गया है। तो परिस्थिति एवं भूमिका को पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। परिस्थिति एवं भूमिका का अगर बात की जाए तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? परिस्थिति को बोला जाता है जहाँ पे स्टेटस, और भूमिका का मतलब होता है रोल, अर्थात समाज के अंतर्गत आपकी क्या स्टेटस है और समाज में आप कौन कौन से अपने रोल्स को अदा कर रहे हैं उसके संदर्भ में हम लोग पूरा डिटेल्स में इन्हें जानेंगे, विभिन्न थिंकर्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो परिस्थिति, ये जो शब्द, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो अरस्तु महोदय जी के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन इसके अगर बोला जाए कि विस्तृत अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन किनके द्वारा किया गया, तो राल्फ लिल्टन जी के द्वारा इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। कहाँ किया गया? उनकी जो पुस्तक थी द स्टडी ऑफ मैन, इस पुस्तक में इन्होंने परिस्थिति के संदर्भ में अपनी विस्तृत व्याख्या की। और ये पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1936 में इसकी रचना की गई थी। और इसमें फिर बाद में फिर जैसे बहुत सारे थिंकर्स हुए तो इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी। एक एक परिभाषाओं को हम लोग देखते हुए चलेंगे कि क्यों क्या क्या बोला जा रहा है। परिस्थिति मतलब समाज में आपके कौन क्या स्टेटस है, क्या आपकी है। बोला जा रहा है कि जैसे वीर स्ट्रीट महोदय, इन्होंने कहा है कि समाज परिस्थितियों का जाल है। ठीक है, समाज के अंतर्गत रह रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं, सबका अपना अपना स्टेटस है, उस हिसाब से समाज में अपना वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं उसकी स्थिति है कि कोई जो है वो अब ऊंची परिस्थिति का है, जाति के आधार पर भी होता है, वर्ग के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। लिल्टन महोदय बताते हैं कि किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति का एक विशेष स्थान प्राप्त होना क्या कहलाता है, वो उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक होती है जो समाज में जन रीतियों एवं रीढ़ियों के माध्यम से उनको प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो थिंकर हैं आर्बन एवं नेमकॉफ, उनके अनुसार परिस्थिति किसी भूमिका व भूमिकाओं के संकलन के द्वारा एक समूह विशेष को निर्दिष्ट किया जाता है और वो उसका क्रमबद्ध पद होता है। आप ऑफिस में भी देखिएगा कि सबका अलग अलग अपना एक स्टेटस होता है, उसकी अलग अलग परिस्थिति होती है। कोई मैनेजर, तो कोई बॉस, तो कोई वर्कर, कोई लेबर, इस प्रकार से सबका परिस्थिति रहता है। इलियट और मेरिल के अनुसार परिस्थिति तथा भूमिका एक ही सिक्के के दो पहले हैं। एक ही सिक्के के दो पहले कौन बताते हैं? तो इलियट एवं मेरिल जी बताते हैं।
एक तो परिस्थिति कैसे होती है, उनको अधिकार प्राप्त होता है, और एक होता है जो वो बाध्यता के माध्यम से। तो यह कथन किनका दिया गया है, तो जॉनसन महोदय जी का दिया हुआ। मैं जितना भी पॉइंट आप लोग को लिखा रही हूँ सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। आप उसको नोट डाउन करते हुए चले। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी मैं आपको थिंकर्स या जितने भी परिभाषाएं बता रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे थिंकर है जॉनसन महोदय, कौन, जॉनसन महोदय, इन्होंने क्या बताया कि सामाजिक पद यानी सामाजिक जो परिस्थिति है ये दो आधार पर बनते हैं। कैसे, एक तो उनका जो अधिकार रहता है उस आधार पर हम इसको जान सकते हैं, ठीक है, और दूसरा एक बाध्यता रहता है, बाध्यता के माध्यम से भी व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित की जाती है। अधिकार मतलब कि आप जिस प्रकार से अपना एडुकेशन ग्रहण किए, आप अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपने अपने क्वालिफाई के हिसाब से आप अपना स्टेटस को प्राप्त कर लिए, और एक रहता है बाध्यता। जैसे जाति में बाध्यता रहती है कि आप इस ऊंची जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं, तो ये सब जो परिस्थिति है वो बाध्यता के माध्यम से आएंगी, और आपने जिसको ग्रहण किया है वो आपका अधिकार के माध्यम से आएगा, ठीक है। लिल्टन महोदय ने तीन प्रकार के परिस्थितियाँ बताई हैं। लिल्टन महोदय ने कितने प्रकार के परिस्थिति बताई हैं, तो तीन प्रकार के, कौन कौन से हो जाएंगे, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति और काल्पनिक परिस्थिति। क्या क्या बताई है, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति और काल्पनिक परिस्थिति, ये किसने बताई है, तो लिल्टन महोदय ने। प्रदत्त परिस्थिति मतलब होता है कि आपको ऑलरेडी मिल जाता है, जैसे आप बड़े भाई हैं, पुत्र हैं, तो इसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप परिवार में जन्म लिए हैं, आपको वो चीज़ मिल गया। लेकिन अगर आप पति बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको अर्जित करना होगा। डॉक्टर बन रहे हैं तो ये अर्जित होते हैं, और एक काल्पनिक परिस्थिति होती है जिसके बारे में एक संकल्पना बनाई जाती है, अवधारणा बनाई जाती है। फीचर महोदय ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए हैं, इन सभी से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फीचर महोदय ने दो प्रकार के, एक तो हो गया कि जन्म के आधार पर, वही अधिकार और बाध्यता उसी से मिलता जुलता है, और एक हो जाता है आपका योग्यता के आधार पर, यानी कि जन्म के आधार पर प्रदत्त को आप बोल सकते हैं, योग्यता के आधार पर आप अर्जित को बोल सकते हैं। इनके सिर्फ भाषाएं जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका यही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको जो है परिस्थिति देखने को मिलेगा, मुख्य परिस्थिति, कौन सा, तो मुख्य परिस्थिति। ये जो अवधारणा है मुख्य परिस्थिति की, अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो ईटी हीलर जी के द्वारा। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा कौन दिए हैं, तो ईटी हीलर जी दिए हैं मुख्य परिस्थिति। किंग्सले डेविस ने परिस्थिति संबंधित अपनी तीन अवधारणाएं बताई हैं, वो तीन अवधारणाएं कौन कौन सी हैं हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जैसे एक विशेष प्रकार का अर्जित परिस्थिति होता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो ये विशिष्ट, ये सब कोई नहीं हासिल कर सकता है, ठीक है। कोई एक स्पेशल आदमी होगा, कि प्रधानमंत्री तो कोई देश का एक प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति तो कोई एक राष्ट्रपति, वो विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंड है परिस्थिति संकुल, जैसे मान लीजिए कि कोई एक विशेष परिस्थिति हो, वहाँ पे एक लोगों का जो समूह होता है उसको परिस्थिति संकुल बोला जाता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और वहाँ पे जितने भी लोग जमा हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो परिस्थिति संकुल के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। परिस्थिति स्तर, एक ही प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न लोगों को मिलकर जो स्तर का निर्माण करते हैं उसको क्या बोला जाता है, परिस्थिति स्तर बोला जाता है, और इसके अंतर्गत उच्चता और निम्नता का जो स्तर है आपको समाज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ध्रुवीय परिस्थिति, जो ऐसी परिस्थिति होती है जो एक दूसरे से संबंधित होती है और एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ध्रुवीय परिस्थिति। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ध्रुवीय परिस्थिति। ध्रुवीय परिस्थिति के अंतर्गत आपका कौन आ जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपका जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है,
आपके कौन, तो हस्बैंड वाइफ जो है ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ध्रुवीय परिस्थिति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसने दी थी अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है, तो किसने दी थी, ईटी हिलर जी ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी, ईटी हिलर जी ने ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा दी थी। फिर नेक्स्ट है आपका परिस्थिति पुंज यानी प्रतिमान, प्रतिमान परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी, परिस्थिति पुंज मतलब पूछ जैसा, परिस्थिति पुंज इसकी अवधारणा किसने दी, तो मर्टन महोदय ने दी है। ठीक है, परिस्थिति पुंज या प्रतिमान इसकी अवधारणा, जिसमें एक ही समय में व्यक्ति जब कोई विभिन्न परिस्थितियों को धारण करता है तो वो क्या कहलाता है, परिस्थिति पुंज कहलाता है। जैसे आप एक समय में टू द पॉइंट आप स्टूडेंट हो, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो टीचर भी हो, आप किसी के ब्रदर भी हो, आप किसी के फादर भी हो, तो इस प्रकार का जो हो जाएगा वो परिस्थिति पुंज के अंतर्गत आ जाएगा। और परिस्थिति क्रम का मतलब ये भी अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, परिस्थिति क्रम की अवधारणा जो है ये भी मर्टन महोदय जी के द्वारा दी गई है। किनके द्वारा, तो मर्टन महोदय जी की दी गई है कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों को धारण करता है तो वो क्रम मतलब एक के बाद, तो वो क्या कहलाता है, आपका परिस्थिति क्रम कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को स्टेटस यानी परिस्थिति ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे भूमिका के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं, देखिए भूमिका यानी रोल, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी के द्वारा। किनके द्वारा, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी के द्वारा इस रोल यानी भूमिका शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन इसका विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन किनके द्वारा किया गया, तो आपके रॉल्फ लिल्टन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन फिर किसने किया था, तो रॉल्फ लिल्टन जी ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था। लिल्टन महोदय क्या बताते हैं, परिभाषा देते हुए कि परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं जबकि जो भूमिकाएं हैं वो संपादित की जाती हैं। अंतर बताया कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वो उस पद की क्या कहलाती है, भूमिका कहलाती है। परिस्थिति में क्या बोल रहे हैं कि आप भूमिका को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आप टीचर बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अभी आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप टीचर बनने के लिए आप उस परिस्थिति को धारण करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। फिर टीचर बनने के बाद आपका जो टीचर का जो रोल है, टीचर की जो भूमिका है, ठीक है, तो वो आप जो अदा कर रहे हो, रोल अदा कर रहे हो, वही भूमिका कहलाएगी। तो वही लिल्टन महोदय ने माना है कि भूमिका परिस्थिति एक गतिशील पहलू, दोनों ही कैसे हैं, तो एक गतिशील गति करती हुई पहलू है। किम्बल यंग के अनुसार व्यक्ति जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कार्य करता है उसको हम भूमिका कहते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको हम भूमिका कहते हैं। मान लीजिए आप जो परिस्थिति, आपका जो स्टेटस है उसको आपको उसी प्रकार से मेंटेन करना है, तो इसके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे, और आप जो कार्य कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, परिस्थिति कहलाता है। ऐसा किसने बताया है, तो किंग्सले डेविस महोदय ने। ठीक है, तो जिस प्रकार से लिल्टन महोदय ने परिस्थिति के संदर्भ में बात की थी, उसी प्रकार से लिल्टन महोदय ने भूमिका के बारे में भी बात की है कि भूमिका कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं लिल्टन महोदय के अनुसार। लिल्टन महोदय के अनुसार भूमिका जो है ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका। परिस्थिति के संदर्भ में भी बात की थी और इसके संदर्भ में भी। ठीक है, वीर स्टेट महोदय ने भी दो प्रकार के भूमिकाओं के संदर्भ में बात की है। वीर स्टेड महोदय ने भी दो प्रकार के भूमिकाओं के संदर्भ में बात की है, वे कौन कौन से हैं, प्रमुख भूमिका और सामान्य भूमिका। प्रमुख भूमिका और सामान्य भूमिका ये किसने बात की है, तो आपके वीर स्टेड महोदय। एक और थिंकर आपके आ जाएंगे, नोडल महोदय। नोडल इन्होंने भी दो प्रकार के भूमिकाओं के बारे में बात की है, संवधात्मक और संविदात्मक। संवधात्मक और संविदात्मक
ठीक है, ये दो प्रकार के भूमिकाओं के बारे में कौन बात करते हैं, तो नोडल महोदय बात करते हैं। नेक्स्ट एक और थिंकर हैं न्यूकॉम महोदय, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का हेल्प लेते हुए आपको पढ़ा रही हूँ, थोड़ा और एडवांस लेवल पे पढ़ा रही हूँ, तो आपके जो आपको आपका जो कॉन्सेप्ट उसे इसके बाहर कुछ भी आपको देखने को ना मिले, आप इसको देख लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्स भी मैंने वैसे ही बनाया है कि आपको कहीं बाहर कुछ भी और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। न्यूकॉम महोदय ने वास्तविक और प्रत्याशित भूमिका के संदर्भ में बात की है, क्या? तो वास्तविक भूमिका और प्रत्याशित भूमिका, इन दोनों के संदर्भ में कौन बात करते हैं? तो न्यूकॉम जो महोदय हैं वो बात करते हैं। अब कुछ कुछ जानते हैं आपका भूमिका के अंदर कुछ कुछ कीवर्ड है जिसको आपको जानना जरूरी है, उससे रिलेटेड थिंकर्स का जानना जरूरी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक एक करके लिखते चलती हूँ, आपको समझाते चलती हूँ, उससे रिलेटेड जो थिंकर है उनको बताते चलती हूँ। तो इधर लिख देती हूँ, सबसे पहले आएगा भूमिका दूरी। आपको क्वेश्चन पूछेगा भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी, तो भूमिका दूरी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? इरविन गॉफमैन जी के द्वारा। किसने दी है? तो इरविन गॉफमैन जी ने। जब व्यक्ति अपने काम से ऊब जाता है और अपने भूमिका को ठीक ढंग से नहीं निभा पाता है तो उसको क्या बोला जाता है? भूमिका दूरी बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, आपको परिभाषा नहीं भी याद रहता है तो आप ऐसे उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भूमिका पुंज, भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी है? तो मर्टन महोदय ने, हम लोगों ने देखा। किनके द्वारा दी गई है? मर्टन महोदय। इसमें बोला जा रहा है जब एक ही परिस्थिति से जुड़ी कई भूमिकाओं का पुंज यानी सेट होता है, जैसे आप अध्यापक है, मैंने अभी आपको समझाया, आप टू द पॉइंट स्टूडेंट है, टू द पॉइंट ऑफ ब्रदर है, टू द पॉइंट ऑफ टीचर है, तो आप कितने सारे रोल को अदा कर रहे हैं, तो वो सभी क्या कहलाएगा? भूमिका पुंज के अंतर्गत। अब भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी है? तो मर्टन महोदय ने। नेक्स्ट है भूमिका तनाव, भूमिका तनाव, भूमिका तनाव की अवधारणा किसने दी है? तो विलियम जे गुडे जी के द्वारा, विलियम जे गुडे जी के द्वारा भूमिका तनाव की अवधारणा दी गई है। जब दो या दो से अधिक भूमिका निभाने में व्यक्ति को असहज महसूस होता है तो उस समय जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसको कि क्या बोला जाता है? भूमिका तनाव बोला जाता है। आपको याद रखना भूमिका तनाव किसने दिया है? तो विलियम जे गुडे जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है भूमिका संघर्ष, ठीक है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो मर्टन महोदय ने दी है। इसका मतलब हुआ कि भूमिका संघर्ष में व्यक्ति एक समय में, और जितना भी मैं आपको बता रही हूँ मैं अपने नोट्स से बता रही हूँ और इसी का आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड भी करूँगी, इसी प्रकार से मैंने आपको विदाउट वुकीज लैंग्वेज यूज़ करके टू द पॉइंट आपको नोट्स बनाए ताकि आपको उस चीज़ों को पढ़ के कहीं भी, और आपका क्या है एक पेज में आपका कंप्लीट हो जा रहा है, दो पेज में आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके बाहर आपको बल्कि चीज़ों को पढ़ना ना पड़े। तो भूमिका संघर्ष की अवधारणा मर्टन महोदय ने दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि भूमिका संघर्ष में व्यक्ति एक समय में दो विभिन्न भूमिकाओं के बीच अपने मांगों को पूरा करने में जब समर्थ नहीं होता है तो वैसी स्थिति क्या कहलाती है? भूमिका संघर्ष कहलाती है। मान लीजिए कि आप जज है, कोई एक जज है, ठीक है, और उस समय उसके जो कोर्ट में उसका बेटा चोर के रूप में आता है, अब मान लीजिए वो कौन सा भूमिका करेगा? एक पिता की भूमिका करेगा या एक जज का करेगा? तो उसके दोनों भूमिका के बीच में क्या हो जा रहा है? एक संघर्ष उत्पन्न हो जा रहा है, तो उसी को क्या कहला जा रहा है कि भूमिका संघर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है बहुविध भूमिका, मतलब बहुत सारा बहुविध भूमिका, इसकी अवधारणा किसने दी है? तो मर्टन महोदय ने इसकी अवधारणा दी है। भूमिका ग्रहण, ये अवधारणा किसने दी है? भूमिका ग्रहण, ये भी आपके जॉर्ज हर्बर्ट मिर्जी के द्वारा
दिया गया है, जब एक ही परिस्थिति को ग्रहण करने के बाद उससे जुड़ी भूमिकाओं को सीखना अगला चरण भूमिका निर्वहन या भूमिका ग्रहण होता है। कि जैसे अभी आप मान लीजिए बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद बीपीएससी के टीचर बनिएगा, टीचर बनने के लिए आपको जो टीचर बनने के लिए आपको जो भूमिका सिखाई जाएगी यानी आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका भूमिका ग्रहण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास जो है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी, और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी ताकि आपको जो आपका सिलेबस अकॉर्डिंग आपके नोट्स को कंप्लीट करवाया जाए। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब और लाइक करने से देखिए आपको कुछ आपको खोएगा नहीं, आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा, ताकि आपको क्लास अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इतना तो आप मुझे सपोर्ट कर ही सकते हैं मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।